हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं याकूत, जो कि रसिया के साइबेरिया देश का एक काफ़ी बड़ा शहर है। याकूत दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। सर्दियों में याकूत शहर का टेम्परेचर -40 से लेकर -60 तक चला जाता है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और शुष्क है। यहाँ करीबन 3 लाख लोग रहते हैं। कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर -64 तक चला जाता है। यह शहर नॉर्थ पोल से 280 मील की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ की हवा बहुत तेज और शुष्क होती है। सर्दियों में यहाँ की झील पूरी तरह से जम जाती है। पूरा शहर बर्फ की एक मोटी चादर से ढक जाता है। सर्दियों में यहाँ नदियों के ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं। ये देखिए, गाड़ियों के ऊपर भी कितनी कितनी बर्फ जमी हुई है। सर्दियों में यहाँ गाड़ियों के इंजन को स्टार्ट रखा जाता है 24 घंटे, कि कहीं गाड़ियों का ऑयल जम न जाए। पूरी सर्दियाँ यहाँ गाड़ियाँ स्टार्ट ही रहती हैं। यहाँ गाड़ी अगर बंद पड़ जाए तो उसको गर्म करने के लिए इंजन के नीचे मशीनों का प्रयोग किया जाता है और गाड़ियों को मोटे मोटे गद्दों से ढक के रखा जाता है। ये गाड़ियों की खिड़कियों को खोलने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जमी हुई झील में बर्फ के अंदर खड्डे करके ऐसी मछलियों को बाहर निकाला जाता है। ये याकूत शहर की लोकल मार्केट है, जो ओपन में लगी हुई है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी ये ओपन में लगी हुई है। ये यहाँ की मीट मार्केट है। यहाँ का सारा मीट लोकल फार्म से आता है। ये सारे के सारे फ्रोजन बेर हैं, यहाँ के बेर, जंगली बेर जिनको बोलते हैं। ये जमे हुए अंडे हैं, ये जमा हुआ दूध है। यहाँ हर एक चीज़ जमी हुई ही बिकती है, क्योंकि तो बाहर का टेम्परेचर ही इतना कम होता है, हर एक चीज़ जम जाती है। जमी हुई मछली है, टेम्परेचर इतना कम है कि कुछ भी खराब नहीं होता है। यहाँ मछलियों को भी आरी से काटा जाता है। ये जो देख रहे हो, ये खरगोश है और ये बेर है। ये फिर सारी की सारी जमी हुई मछलियाँ हैं, जो बर्फ से जम गई हैं, पत्थर बन गई हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती हैं। ये सारी की सारी बत्तख हैं। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 5 डिग्री तक होता है, और एक फ्रीज का टेम्परेचर जो होता है वो -20 डिग्री तक होता है। लेकिन यहाँ का बाहर का टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर -50 तक है। अब ये बर्फ़ देखो आप, ये बर्फ़ यहाँ से बाहर से जमी हुई झीलों से बर्फ़ लेके आई जाती है। पहले जमी हुई झील के ऊपर से बर्फ़ को हटाया जाता है, फिर उस बर्फ़ को एक आरी से, पीछे चलने वाली आरी से काटा जाता है, और फिर कुदाली की मदद से उसको चारों तरफ से खाली करके फिर इसकी सिल्लियों को निकाला जाता है। ऐसे इन सिल्लियों को निकाल लेते हैं, फिर इन सिल्लियों को घर पे ले जाकर स्टोर कर लिया जाता है, और फिर यहाँ से जितनी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से अंदर ले जाकर इनको गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है। जो हमने घर पे पहले से गर्म पानी करके रखा हुआ है, उस गर्म पानी के अंदर इसको डाल दिया जाता है, ताकि ये भी पिघल जाए। आप यहाँ पे इन गायों की हालत देखिए, इतने बर्फ़ में ये कैसे रहती हैं, और इनको कितना ठंडा पानी पीना पड़ता है। ये बिल्कुल जमी हुई झील का पानी पीते हैं। इनके पानी पीने के लिए यहाँ पे ज़मीन में, इसमें बर्फ़ में सुराख कर दिया जाता है, ताकि वहाँ से ये पानी पी सके। और ये यहाँ के भालू हैं, बर्फ़ में रहने वाले भालू। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।